जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुणे जो शहर है उसको ज्ञान, विद्या और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। पुणे शहर में कई सारे जाने माने इंस्टीट्यूट्स हैं जो अध्यापन करते हैं, संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम करते हैं। उन्हीं इंस्टीट्यूट में से एक बहुत पुराना और देश भर, मैं तो कहूँ दुनिया भर में जाना माना एक इंस्टीट्यूट है, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन केंद्र। पुणे के भांडारकर रोड पर यह स्थित है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 6 जुलाई 1917 को की गई थी और जाने माने इतिहासकार रामकृष्ण गोपाल भांडारकर के नाम से ये जाना जाता है। और आज मैं एक खास वजह से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रंथ और किताबों की प्रदर्शनी हो रही है, इसलिए आज हम आए हुए हैं पुणे के बहुत बड़े जाने माने इंस्टीट्यूट भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंगन में। यहाँ पर किताबों का एक एग्जीबिशन हो रहा है, बड़े पैमाने पे इसको लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि जो भी बहुत रेयर किताबें हैं, रेयर लिटरेचर है, रेयर बुक्स हैं जो कहीं मिलती नहीं हैं, वो इस प्रदर्शनी में दिखाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आइए पुणे के भांडारकर इंस्टीट्यूट में और ये 19 दिसंबर तक ये प्रदर्शनी है और यहाँ पे डिस्काउंट के रेट पे भी ये बड़ी बड़ी किताबें मिल रही हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। भांडारकर इंस्टीट्यूट में अंदाजे 125,000 प्राचीन, रेयर और कहीं पे भी न मिलने वाले ग्रंथ हैं और 29,510 से भी ज्यादा हस्तलिखित लेख हैं। भांडारकर इंस्टीट्यूट में भारतीय और यूरोपियन लैंग्वेज में करीब करीब 225,000 किताबें हैं और जिनमें से 20,000 किताबें बहुत बहुत रेयर मानी जाती हैं। यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे आप फिजिकली आके भी यहाँ बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अब इस इंस्टीट्यूट ने दूर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी शुरू की है जिसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करिए और उस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए। ये जो प्रदर्शनी यहां पर आयोजित की गई है उसमें करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा किताबें हैं। भांडारकर इंस्टीट्यूट की ही 300 से ज्यादा किताबें इसमें हैं। जैसे उसमें अहम किताब है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के 5 खंड, महाभारत की चिकित्सक आवृत्ति के 19 खंड और वैदिक बिब्लियोग्राफी की बहुत रेयर किताबें। इसके अलावा पतंजलि का योग, पर्युषण का कल्पसूत्र, बुधभूषण, छत्रपति संभाजी महाराज की राजनीति, पतंजलि की व्याकरण, ऐसी कई सारे किताबें जो हमें शायद देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है वो इस प्रदर्शनी में यहां पे बेची जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं।
देखता हूँ तो आज और नए नए बुक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आई थिंक आई शुड बाय मोर बुक्स, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने मन पे। यहाँ पर भांडारकर इंस्टीट्यूट का जो खुद का प्रकाशन है उनकी तो किताबें हैं, इसके अलावा डायमंड पब्लिकेशंस हैं, मेहता पब्लिकेशन, ये जो रेप्यूटेड पब्लिकेशंस हैं पुणे के, उनके भी पब्लिकेशंस और किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत रेयर और संशोधित की गई किताबें इस इंस्टीट्यूट में हमें मिलती हैं। इस प्रदर्शनी में खास आकर्षण है महाभारत की जो संशोधित की हुई आवृत्ति, जो जो जिससे पिछले 50 साल से काम रहा है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में महाभारत कई सारी आवृत्तियाँ, तो उन सबको मिला के सुनकर साइंटिफिक संशोधन करके इस इंस्टीट्यूट में ये जो महाभारत की आवृत्ति है वो इस प्रदर्शन में बेचने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। और उसकी 19 खंड और ग्रीष्म पर्व, कर्म पर्व, उद्योग पर्व, ये जो महाभारत
नर्सरी में और एक अनमोल चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो है भारत रत्न डॉक्टर कानी द्वारा संशोधित और लिखित और प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसके 5 खंड यहाँ पे मौजूद हैं। धर्म क्या है, जो आचरण के नियम है, संस्कृति के नियम है, समाज के नियम, उसको डॉक्टर काने साहब ने रिसर्च किया, बहुत बड़े पीरियड का भी रिसर्च किया और ये खंड हमारे लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया। जो भी किताबों की किसी को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर काने को दिया गया है। तो उनका ये अनमोल खजाना है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसकी 5 खंड1,50,000 से भी ज़्यादा बुक्स यहाँ पे मौजूद है।
तो दोस्तों आप अपने चैनल अगर आप देख रहे हैं तो भारत से बाहर भी आप प्लीज़ इस लिंक को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डालूंगा मेरे चैनल से, और ये जो अनमोल खजाना है इसका वीडियोज दिखाएँ और इसको शेयर करें। तो मैडम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सच एग्जीबिशंस एंड शेयरिंग फ्रॉम यू लाइक। जैसे कि मैंने कहा था नई किताबें आज आई हुई हैं, तो ये एक है मूर्ति विज्ञान डॉक्टर गणेश हरि खरे साहब का, और उन्हीं का एक और बुक है महाराष्ट्राची चार दैवतें, जिसमें कोल्हापुर की अंबाबाई, जेजुरी का खंडोबा, तुळजापुर की भवानी माता और पंढरपुर का विठ्ठल यानी पांडुरंग, इनकी हिस्ट्री और इनके बारे में जानकारी है। तो ये दो किताबें आज मैं खरीद रहा हूँ। थैंक यू। आज मेरे इस ब्लॉग शूटिंग में जिसने मेरी मदद की है वो है हमारा दोस्त कुणाल। ही इज़ अ वेरी यंग स्मार्ट बॉय जिसने मुझे कल पहचान लिया था। तुम यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हो? अभी मैंने 6 महीने हुए काम कर रहा हूँ यहाँ। ओके गुड। ही इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग इन भांडारकर इंस्टीट्यूट। तो ये प्रदर्शनी कैसी चल रही है, लोग कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं? लोगों का बहुत रिस्पॉन्स है यहाँ, लोग रोज आते हैं, देखते हैं, किताबें खरीदते हैं। ओके। पूछते हैं ये कहाँ से है, क्या ये इसमें क्या है किताब में, सब पूछते हैं, हम उनको जानकारी देते हैं। गुड। जब कोई इवेंट होता है उसमें हर किसी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कुणाल जैसे जो हमारे दोस्त हैं वो हर क्षेत्र में हमारी मदद करते हैं, हर फील्ड में हमारी मदद करते हैं। जैसे आई एम रियली थैंकफुल टू यू कुणाल के तुम यहाँ पे तो काम अच्छा कर ही रहे हो, उसके साथ साथ तुमने मेरे ब्लॉग में भी आज मेरी मदद की। थैंक यू। थैंक यू।